आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आप तक इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताजपुर सत्याग्रह में, और हमारे बीच मैडम रोमा भारती हैं। और आइए इनसे जानना चाहते हैं कि ये एनआरसी को किस प्रकार ले रही हैं और एनआरसी के लिए अब क्या क्या कदम उठाएंगे आगे। आप एनआरसी एक इस तरह का कानून है, एनआरसी, एनपीआर और सीएए, कि आप देख रहे हैं जिससे आम लोग प्रभावित हैं लोग, लेकिन जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वह चाहती है कि हम हिंदू और मुसलमान इस तरीका का कुछ करें कि हिंदू और मुसलमान लोग ज़्यादा, हिंदुओं को ये समझाए कि इससे मुसलमान ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो आज के युवा पीढ़ी हैं, हर एक लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर एक लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो तमाम लोग जानते हैं कि यह कानून बिल्कुल जितने हिंदुस्तान के आम आवाम हैं, सभी जाति और धर्म के लोग जो मानने वाले हैं, वो तमाम लोग प्रभावित हैं। और इस तरह का काला कानून, जब देश का कोई एक तबका ही उसका विरोध नहीं कर रहा हो, देश का तमाम हिस्सा, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो, पुरुष हो, या मुस्लिम महिलाएं हो या पुरुष हो, या तमाम लोग, जब आम आवाम त्रस्त है पूरे हिंदुस्तान का, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे काला कानून जो हम वो लाई है और लाने के बाद जो आम आवाम इससे त्रस्त है, तो उस कानून में संशोधन करे ताकि आम आवाम हिंदुस्तान का अमन और चैन और खुशी की सांस ले सके। यही इस सत्याग्रह का मकसद है। और आप देख रहे हैं कि समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। ये स्वाभाविक है कि जब लोग त्रस्त होंगे तो सड़कों पे आएंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे, और सरकार को चाहिए कि जब आम त्रस्त है तो हम अपने कानून में संशोधन करें। दूसरी तरफ मैडम अमित शाह जी, मोदी जी कहते हैं कि हम भारत जितने मजबूत हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन दिल्ली में आपने हाल ही दिनों में आपने देखा कि दिल्ली में दंगा हुई, लेकिन पुलिस वाले को बार बार फ़ोन भी किया गया आम आदमी के कुछ नेता के द्वारा, और आम आदमी भी वहाँ पे फ़ोन किए गृह मंत्रालय में, लेकिन पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँचती है। तो इससे क्या साबित होता है, ये भारत मजबूती साबित हो रही है? यह भारत की मजबूती क्या क्या साबित होगी, जो दिल्ली में जहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, यानी पूरा हिंदुस्तान का जितना ऊंचे ओहदा का लोग हैं, तमाम लोग उस दिल्ली में हैं। और यह दिल्ली वासी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए यह शर्म की बात है कि जो आम आवाम था वहाँ का, वो किस तरह निर्दोष लोगों को मारा गया है। यह कतई नहीं होना चाहिए कि कोई लोग अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर कुछ कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, ना कि इस तरह से किसी को मार काट करना चाहिए। और जब हम हिंदुस्तान में लोगों ने उन्हें बहुमत में ला के उतनी ऊंची कुर्सी को दिया, की भी निंदा की जाए वह कम है। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा भारती जी। दोस्तों ये है रोमा भारती, समस्तीपुर की पूर्व एमएलसी हैं, जिसे मैं बात कर रहा था। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।